दोस्तों, आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं जब से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हो चुका है, और जहां पर हमारा विक्रम लैंडर अपने प्रज्ञान रोवर के साथ खड़ा है, वहां पर भी अब धूप गिरने लगी है। ऐसे में अब हर एक भारतीय के मन में एक ही सवाल है कि आखिर अभी हमारा चंद्रयान 3 किस हाल में है? क्या वो फिर से जागकर अपना कार्य करने लगा है? दोस्तों, इसरो ने इस वक्त एक बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनकर दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां भी हैरानी में पड़ गईं। आखिर क्या है वो हैरान कर देने वाली बात जिसे इसरो ने कहा है? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चंद्रयान 3 के फिर से जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में जरूर करना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज 4 दिन बाद भी इसरो की ओर से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर हमारा चंद्रयान 3 अभी किस हाल में है। क्या अब चंद्रयान 3 फिर से कभी नहीं जागने वाला? ऐसे कई सवाल है जो आम लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी यह पूरी तरह से पक्का नहीं हुआ है कि हमारा चंद्रयान 3 अभी कभी नहीं जागने वाला, बल्कि अभी भी इस बात की भरपूर संभावना है कि हमारे विक्रम और प्रज्ञान के कंप्यूटर फिर से चालू हो जाएंगे। लेकिन आखिर कब तक? दोस्तों, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ज्यादा रहस्यों से घिरा हुआ है, और इसी वजह से आज तक भारत के अलावा दुनिया का कोई भी देश वहां पर अपना अंतरिक्ष यान नहीं भेज पाया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की काफी कम रोशनी पड़ती है, और जब वहां पर रात का समय होता है तो तापमान करीबन -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। ऐसे में चांद का वो हिस्सा आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है। भारत द्वारा दूसरे ही प्रयास में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और अपनी इसी सफलता की वजह से आज इसरो दुनिया की टॉप लीडिंग स्पेस एजेंसी की लिस्ट में शामिल हो गई है। और जहां तक बात हो चंद्रयान 3 की, तो इसरो ने पहले ही उसके मिशन की अवधि 15 दिनों की तय कर दी थी। ऐसे में अब इसरो का मिशन चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल मिशन है, चाहे वो फिर से ऑन हो या नहीं। लेकिन अगर अब भी चंद्रयान 3 मिशन फिर से काम करना शुरू कर देता है, तो इसरो और कई ऐसी चीजों की जानकारी निकाल सकता है जो वैज्ञानिकों को चांद को समझने में और ज्यादा मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हर कोई इसी इंतजार में है कि आखिर कब फिर से हमारा चंद्रयान 3 काम करना शुरू करेगा, या फिर चांद की उस भयानक दुनिया की उस खून जमाने वाली ठंड में हमारे विक्रम और प्रज्ञान भी कहीं जम ना गए हैं। दोस्तों, अभी तक इसरो के वैज्ञानिक दिन रात करके इसी कोशिश में लगे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे चंद्रयान 3 से कनेक्शन बना सके। लेकिन निराश कर देने वाली बात यह है कि पूरे 4 दिनों बाद भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाए कि हमारे विक्रम और प्रज्ञान जिंदा है भी या नहीं। हालांकि दोस्तों, अभी तक इसरो ने इस बात को ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया कि अब चंद्रयान 3 फिर से कभी चालू नहीं होगा। ऐसे में इस बात की अभी भी काफी संभावना है कि हमारे विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर से चालू जरूर होंगे। दोस्तों, 14 सितंबर की चंद्रमा पर वो आखिरी रात थी जिस वक्त वहां का तापमान सबसे ज्यादा गिरा था, और हमारे विक्रम लैंडर के सेंसर ने उस वक्त वहां का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया। और उसी दिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के मन में एक डर बैठ गया कि क्या विक्रम और प्रज्ञान उस भयानक ठंड को सह पाएंगे। दरअसल दोस्तों, इन दोनों मशीनों की टेस्टिंग हमारे वैज्ञानिकों ने पहले ही -200 डिग्री तापमान तक कर ली थी, लेकिन जब चंद्रमा पर तापमान जब और ज्यादा गिर गया, तो वैज्ञानिकों को भी इस बात पर शक होने लगा कि कहीं हमारे वो दोनों शूरवीर उस भयानक ठंड में अपना दम ना तोड़ दें। लेकिन दोस्तों, 22 तारीख को सूरज की पहली किरण के बाद वहां का तापमान भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया है, जिसमें कोई भी कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस आसानी से काम कर सकता है। ऐसे में यह तो पक्का है कि पर्याप्त सूर्य की रोशनी से हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी तो पूरी चार्ज हो गई है, लेकिन अभी तक उन दोनों से कांटेक्ट ना बना पाना हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए काफी चिंता का विषय है। हमें इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं सच में अब वो दोनों शूरवीर कभी जिंदा ना हो। लेकिन दोस्तों, अपने 15 दिनों की अवधि में ही उन्होंने चांद की उस अंधेरी दुनिया के ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया जो आज तक बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी भी नहीं कर पाई। दोस्तों,
आपको बता दें कि जब आखिरी बार हमारे प्रज्ञान और विक्रम ने पृथ्वी पर जानकारी भेजी तो उसमें वैज्ञानिकों को पता चला कि चंद्रमा की धरती पर सल्फर भी काफी मात्रा में मौजूद है, और सल्फर वो तत्व है जो वैज्ञानिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा काम में आ सकता है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी भारतीय वैज्ञानिकों तक पहुंची, तब तक चंद्रमा पर रात होने का समय हो गया। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने बिना देरी किए आगे की सभी रिसर्च को रोक दिया और विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया। हालांकि दोस्तों, जब चंद्रयान 3 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया तो इसकी मिशन अवधि मात्र 15 दिनों की ही तय की गई थी, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि वो 15 दिनों के अंदर चंद्रमा की सतह से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल लेंगे। और प्रज्ञान रोवर के अंदर कुछ ही सेंसर लगे थे जो ज्यादा खोजों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक तो हैरान तब हुए जब विक्रम और प्रज्ञान ने एक के बाद एक ऐसी कई खोजों को अंजाम दिया जिन्हें नासा भी अपने 50 सालों के मिशन में नहीं कर पाया। अब अगर हमारा चंद्रयान 3 फिर से जिंदा नहीं भी होता है तो भी इसका मून एक्सप्लोरेशन में योगदान बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके आगे की खोजें भी बहुत जल्द हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 4 के माध्यम से अंजाम जरूर देंगे। दोस्तों, बेहद कम तापमान की वजह से इस बात के भी ज्यादा चांस है कि उन दोनों की बैटरी में कोई खराबी आ गई हो। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे वो इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली। लेकिन -250 डिग्री की ठंड को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है तो ये एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देगा, और इस बार वहां पर हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी जो कि रॉकेट फ्यूल का मुख्य तत्व है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है जिसे हमारे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजुलेशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वो कितनी चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी कंडीशन में रोवर को जितना समय मिल पाया उसने कई सारे तत्वों की खोज की और वहां के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा, और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर को जानकारी दी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हैं तो वो सिर्फ इस पर कि कब इसरो के वैज्ञानिक यह कहे कि हमने विक्रम से अपना कनेक्शन बना लिया है। दोस्तों, ऐसे तो हमें अपने भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत पर पूरा विश्वास है कि वो किसी भी तरह से एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से अपना संपर्क बना लेंगे। लेकिन जब बात माइनस के 250 डिग्री सेल्सियस तापमान की होती है तो अभी भी हमारे दांत कांपने लगते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात का डर भी छाया हुआ है कि कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रज्ञान रोवर का कंप्यूटर सिस्टम फेल ना हो गया हो, क्योंकि दोस्तों, -200 डिग्री तापमान के बाद कंप्यूटर में लगी चिप्स में भी दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसे में हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा होगा या नहीं, लेकिन इस बात पर हमें पूरा यकीन है कि इसरो के वैज्ञानिक तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उन्हें विक्रम और प्रज्ञान का कोई सबूत नहीं मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 2 को भी ढूंढने के लिए 2 महीने तक लगातार मेहनत की थी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हम एक बार फिर से चंद्रयान से संपर्क बनाने में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन उसने आज तक जो भी रिसर्च की वो भी हमारे बेहद मूल्यवान है। अब आप कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के इस छोटे से जीवन काल का शुक्रिया जरूर अदा करना जिसने हमें चंद्रमा को नजदीक से दिखाया। ऐसे ही अंतरिक्ष जगत से जुड़े तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।